हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं RRB ALP CBAT 3, जिनको पिक्चर बहुत सारे फिर ब्रिक्स वाले में जो इमेज में दिक्कत आ रहे थे, जो इमेज उनका शो नहीं हो रहे थे कुछ प्रश्न के, तो इसके ऊपर RRB ने फाइनली ऑफिशियल नोटिस जारी किए। ऑफिशियल नोटिस में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। यदि आप यहाँ पर गलती करते हैं, आप डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन अपना डाल देते हैं, तो हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाए। तो इसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्या करने चाहिए, सब कुछ हम लोग जानने वाले। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, साथ में चैनल को इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस पर बात करते हैं। यदि बात करें नॉर्मल तौर पर इस नोटिस में क्या है, तो नॉर्मल तौर पर इस नोटिस में यही है, जिनको भी इमेज की इश्यूज आए, 10 मई को आपने CBAT 3 एग्ज़ाम दिया था, इस 10 मई को आपने एग्ज़ाम जब दिया था उसमें बहुत सारे लोगों को इमेज की इशू हुआ है। इनमें से कुछ लोगों ने RRB को मेल किया, मेल करने के बाद RRB ने यहाँ पर नोटिस, कुछ लोगों ने RTI भी फाइल किया, तो यहाँ पर RRB ने इसी के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। तो इस नोटिस में कुछ जो इमेज थे, 4 से 5 प्रश्न की कुछ इमेज थे स्टार्टिंग में, उनको दिक्कत आ रही थी इमेज व्यू में, इमेज शो नहीं हो रहे थे, इसके वजह से ये नोटिस जारी किए। तो यहाँ पर एक रिस्पांस, एक रिप्रेजेंटेशन आपको सबमिट करने होंगे। इसके लिए कैंडिडेट बींग सबमिट वैलिड बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज रिस्पॉन्स कैरिड आउट बाई द कैंडिडेट ड्यूरिंग द CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। जो आपको रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने की जो तिथि है 15/5/2019, यानी आज से स्टार्ट हुए हैं, जो आपको चलेंगे 17/5/2019 तक। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किए गए, बहुत बोल्ड राइटिंग में मेंशन किए गए, यदि आप गलत या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन सबमिट करते हैं तो आपकी आवेदन रद्द कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जब भी आप सबमिट करते हैं, यदि आपके साथ इस प्रकार के इशू हुए हैं, आपकी इमेज व्यू में दिक्कत आए, आपको इमेज व्यू आपके से जो सेंटर पर हुए वहाँ पर आपके चेक किए जाएंगे, यदि रियल में आपके साथ दिक्कत हुए तब भी जाकर इस सबमिट को सबमिट कीजिए, नहीं तो आपकी आवेदन रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पर इस बात को आप ख्याल रखिएगा। यहाँ पर जो भी अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे, तो इनका एग्ज़ाम जो लिया जाएगा 21 मई को, नया डेट आपका इशू, जो आपका इशू होंगे ये आपको बहुत जल्द आ जाएंगे, आपको 17 तक आपको सबमिट करने हैं। जो आपका 10 मई का आपने एग्ज़ाम दिया था, यदि आपका सही पाया जाता है रिप्रेजेंटेशन, तो 10 मई को आपने जो एग्ज़ाम दिया था, साइको टेस्ट दिया था, उससे आपको रद्द कर दिए जाएंगे। उसमें जो आपने एग्ज़ाम जितना भी स्कोर किया उसका कोई मायने नहीं रह जाएगी। जब आप रिप्रेजेंटेशन सही का आप फिलअप करते हैं, आपके साथ सही में दिक्कत हुए, जैसे ही सबमिट करते हैं, तो कुछ देर बाद आपका रिप्रेजेंटेशन रद्द कर दिए जाएंगे। तो लिंक के माध्यम से यहाँ पर एक आवेदन को जो आपका जब समीक्षा कर ली जाएगी, यहाँ पर आपने जो रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया उस जब समीक्षा कर ली जाएगी, तो केवल जिनके सही वास्तव में और सही पाए जाएंगे उन उम्मीदवारों को, प्रभावित होने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं, 21/5/2019 को आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। यानी ये चीज़ आपका 19 तक आपका सारा क्लियर हो जाएगा। यदि आप सही पाए जाते हैं, आपके साथ सही होता है, तो आप एक दो दिन पहले, आप कम से कम 2 दिन पहले, क्योंकि सेंटर पर जाने में भी समय लगेंगे, तो 2 दिन पहले 18 को आपको इवनिंग तक सारा काम क्लियर कर लिया जाएगा। आपको 18 के इवनिंग तक ही आपको एक एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आपको एक एडमिट कार्ड जहाँ पर आपका सेंटर जाता है, तो ये सेंटर पर आप जाकर 21/5/2019 का आप एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं, साइको टेस्ट आप फिर से दे सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक अलग से सुविधा दी जाएगी, और यहाँ पर जो आपका रिप्रेजेंटेशन आपने जो सबमिट किया उसका रीशेड्यूल एग्ज़ाम आपको मैसेज थ्रू मेल आईडी, आपका जो जीमेल आईडी आपने दिया उस जीमेल आईडी के थ्रू पर आपको बताया जाएंगे। तो इसका नोटिस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, आप जिस माध्यम से पढ़ना चाहें तो वो नोटिस पढ़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, तो इनके जो जितने भी आपने आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट करते, बहुत सारे लोगों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही इशू हुआ है, और जब आप लोग सबमिट करते तो आप एक तैयार रहिएगा कि आपको एग्ज़ाम फिर से देने हैं, आप खुद से सोच लीजिएगा। और यहाँ पर आपके पेपर
खराब चले गए तो आप बिल्कुल सबमिट कर दीजिए, आपके साथ हुआ है तब भी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोल्ड राइटिंग में क्लियर मेंशन किया, यदि आप गलत यदि फॉल्स सबमिट रिप्रेजेंटेशन सबमिट करते हैं तो आपका आवेदन जो है रद्द कर दी जाएंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन जो है आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो इस बात को आप ख्याल रखिएगा, गलत रिप्रेजेंटेशन आप सबमिट मत कीजिएगा। यदि आप गलत करते हैं तो आपको दिक्कत होंगे, आपका आवेदन सीबीटी 2 एग्ज़ाम कितना भी बेहतर चला गया हो यहाँ पर आपकी रद्द हो जाएगी आवेदन। ये बहुत सोच समझ कर आप जब भी कीजिएगा। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि आपका 21 मई को ही एग्ज़ाम लिए जाएंगे, आप 21 मई को अपने एग्ज़ाम सेंटर अपने रीजन के एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए भी तैयार रहिएगा। ये सारी चीज़ सोचने के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर दें अपना रिप्रेजेंटेशन। अब 21 मई को ही आपका एग्ज़ाम होंगे, अब इसका ऑफिशियल आपका एडमिट कार्ड लगभग 18 मई को इवनिंग या नाइट होते होते आपके आ जाएंगे ऑफिशियल। आपके पास 2 या 3 दिन रहेंगे समय, और 3 दिन में आपके आप एग्ज़ाम सेंटर के पास आपको पहुँचने होंगे। तो इस नोटिस में कुछ ये महत्वपूर्ण बातें थे जो हम आप सभी के साथ शेयर किया, आप सभी के साथ बात किया। और यहाँ पर आप सभी कॉमेंट आ रहे थे, इसी वजह आप कॉमेंट नहीं आए थे, व्हाट्सएप पर मैसेज आए थे, तो व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आ गए थे, तो फाइनली इसी के ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी हो गए, तो इसलिए हम लोगों ने बात किया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।